आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत के गांव की मिठास का एक अनूठा संगम हम आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, और आपसे पहले स्वार्थी मैं इतना हूं कि ये शायद हम हमारे लिए कर रहे हैं, और यकीनन हम आपको आने वाले भविष्य में निमंत्रित करेंगे यहां आने के लिए। उसका कारण ये है कि मैं हर वो चीज़ जो हमारे पुरातन समय के बोली मैं हर वो चीज़ आपके साथ साझा करने का पूरा प्रयास करूंगा जो आज से हमारे पुरातन समय में मिट्टी के खुशबू से हमें जितनी भी चीज़ें हमें नवाजी गई, मिट्टी का घर, मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी के बर्तन, गांव की खुशबू, अपने हाथ से तोड़ के खाया जाने वाला भोजन, अपने हाथ से तोड़ के खाए जाने वाले फ्रूट, इन सभी का हम आपको आनंद का अनुभव करवाएंगे। यकीनन मेरे साथ विश्वास रखिएगा, इस चैनल पे मैं जो आप लोग से बातें शेयर कर रहा हूँ, इसका कोई विशेष उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि मैं खुद एक स्वयं एक बहुत समय तक पेट की समस्याओं से विकृत रहा, और मुझे ज़बरदस्त अल्सरेटिव कोलाइटिस नामक डिजीज़ रही है, और मैंने काफ़ी मेरे लाइफ में सर्व किया है, और जब जीवन में सीखना शुरू किया तो सीखना ऐसा शुरू किया कि कुदरत का एक ऐसा मोड़ आया जहां सारी चीज़ें एक ऐसे फ्लो में बनती गई जहां हम इस जगह तक पहुंच पाए। कुछ घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए थी, कुछ घटनाएं ऐसी जो अपने आप हो गई। बोलते हैं ना कि अगर बुरा कुछ हुआ है, अगर उसमें सीखने की अभिलाषा है, तो यकीनन आप उसको अपने लाइफ में अच्छा बना सकते हैं। बहुत कुछ जीवन में हमारे साथ गलत हुआ, बस जब समय के साथ सीखने की कोशिशें हुई तो ये बात समझ आ गई कि जीवन में कभी गलत होता नहीं है, बस सीखने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और यहाँ जो अभी हम निर्माण कार्य कर रहे हैं, ये बी4 का पहले का हम आपको कुछ छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहे हैं, जिसमें हमारे पीछे अभी लगभग फर्श से 5 फीट ऊपर हाइट आ गई है, लगभग फर्श से 5 फीट के आसपास। नींव का पहले लगभग हमने 2 फुट का निर्माण करवा दिया है, फर्श से लगभग 5 फुट के आसपास हाइट आ गई है। इसका भरत का कार्यक्रम हमने कर दिया है, और बहुत मेहनत हुई है, हमारे छोटे भ्राता श्री, पिताश्री, सभी का संयोग रहा, जिनके कुछ शॉर्ट्स वीडियो हमने आप लोग साथ यूट्यूब पे शेयर किए हैं, आप वो वॉच कर सकते हैं। मैंने बार बार एक चीज़ का उच्चारण ये किया है कि मैं इस चीज़ को आप लोग साथ शेयर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इस चीज़ को आप जब तक समझेंगे नहीं, इसके गहराई को कभी समझ नहीं पाएंगे। हर वो चीज़ जो मिट्टी से जुड़ी हुई है आप लोग देखेंगे, समझेंगे, करेंगे, यकीन मैं बोलता हूँ कि आपको इस चीज़ का ज़बरदस्त अनुभव होगा, और जब आप भविष्य में हम जब आपको यहाँ पे आने के लिए आमंत्रित करेंगे, आपको वो एहसास ज़रूर होगा जो शायद आपने आज से पहले कभी किया नहीं होगा। जो गाँव से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए विशेष अनुभव पहले से ही है क्योंकि वो गाँव में रहते हैं, लेकिन जो लोग सिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब बिलोंग करते हैं, वो जब लोग इस चीज़ को देखेंगे, जब प्रैक्टिकली यहाँ आएंगे, अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, मैं इतना दावा बोलता हूँ, इतना विश्वास देता हूँ कि कमाल का अनुभव होगा। और ये पहले चरण का लगभग अभी पहला कॉलम और जो दूसरा कॉलम है, ये हमारे वेलनेस सेंटर के हिसाब से हम इसको बिल्ड कर रहे हैं। मतलब वेलनेस मतलब हम इसमें नेचुरोपैथी, न्यूरोथेरेपी, योग, डाइट, मालिश, मेडिटेशन क्लासेज, ऑयल थेरेपी, मिट्टी पट्टी, ऐसी सारी चीज़ें हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। जो हेल्थ रिलेटेड चीज़ें होंगी उस पर हेल्थ पे हम काम करेंगे, जो हमारे फूड से संबंधित होगी उसका मैं आपको छोटा सा नज़ारा दिखा देता हूँ। ये पीछे हमारा खेत है, यहाँ हम ऑर्गेनिक खेती फार्म हाउस बिल्ड करेंगे। अभी ये पहला चरण है, फाइनेंशियली कई चीज़ें हमारे साथ प्रॉब्लम में हैं, तो उन चीज़ों को हम धीरे धीरे समय के साथ इंक्रीज करेंगे। यहाँ हमारा ऑर्गेनिक फार्म हाउस हम पूरा बिल्ड करेंगे, जहाँ हम खुद के लिए फ्रूट है, खुद के लिए हमारी सब्जियाँ हैं, यहाँ पेड़ पौधे लगाएंगे, अनार है, अमरूद है, चीकू है, जितनी भी चीज़ें यहाँ शूट कर पाएंगे एज एनवायरनमेंट के हिसाब से। हमारी कोशिश ये होगी कि हम जहाँ तक संभव होगी हम सारी चीज़ें बाहर से नहीं खरीदें, मतलब 90-80% चीज़ें हमारी कोशिश होगी भाई हम यहीं से तोड़ के, यहीं से जितने भी लोग आए उनको खिलाने की हमारी कोशिश होगी।